दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद मजेदार और क्रांतिकारी एडवांस मशीनें, जिन्हें देखने के बाद आपकी नॉलेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में आपके लिए कुछ खास सरप्राइजेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीट हार्वेस्टर, ये मशीन किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये मशीन खेतों से गेहूं के पौधों को काटकर ऑटोमेटिक उनका बंडल बनाकर साइड में जमा करते जाती है। लेकिन इस काम के लिए आज के समय में काफी एडवांस मशीनें भी आ चुकी हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें गेहूं की फसल को काटने के साथ साथ वेस्ट मटेरियल को गेहूं से अलग करके पीछे फेंकते जाती है और बिल्कुल फ्रेश गेहूं को साइड में चलने वाले कंटेनर में भरते जाती है। प्लांट ट्रिमर, ये मशीन पौधों को शेप देने का काम करती है। सारे पौधों को सेम साइज में शेप देना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस मशीन में एक साइज को फिक्स करके सारे पौधों को सेम साइज में काटा जा सकता है। वुड कटिंग ट्रिमर, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों की अनवांटेड टहनियों को काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन की ताकत का अंदाजा आप इसके काम को देखकर बड़ी आसानी से लगा सकते हो। इस मशीन के आगे वाले हिस्से को किसी भी टहनी के पास ले जाकर जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है, वैसे ही मशीन बहुत ही ज्यादा स्पीड में टहनी को काट देती है। इस मशीन की मदद से 2 इंच तक मोटी लकड़ी को काटा जा सकता है, और अगर पेड़ों की टहनियां ज्यादा ऊंचाई पर है तो इस मशीन की स्टिक की मदद से उन टहनियों को भी आसानी से काटा जा सकता है। बेड मेकिंग मशीन, दोस्तों बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जिनको उगाने के लिए क्यारी बनाना जरूरी होता है। ये एडवांस मशीन क्यारी बनाने का काम बड़ी आसानी से करती है। इस मशीन में पीछे की साइड लगे रोलर क्यारी को किटकैट वाला शेप देते जाते हैं। अगर इसी काम को हाथों से किया जाए तो समय भी ज्यादा लगेगा और हमारे किसान भाइयों की हालत भी खराब हो जाएगी। नॉरवुड सॉमिल, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के लोग को फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाले स्क्वायर बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ये मशीन पेड़ों के बड़े बड़े लॉग को चारों तरफ से काट कर स्क्वायर शेप दे देती है। उसके बाद ये मशीन इस स्क्वायर लकड़ी को मल्टीपल बोर्ड में कन्वर्ट कर देती है। इन बोर्ड का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है। कॉटेले V2, इस टूल का इस्तेमाल पौधे की टहनियों या बेल को मनचाही डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए किया जाता है। इस टूल की मदद से पौधों की टहनियों को बड़ी आसानी से किसी भी चीज के साथ बांधा जा सकता है। इस टूल के ट्रिगर को दबाते ही ये टूल टहनी को रस्सी से बांध देता है। गार्डनिंग करने के लिए ये टूल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। कैरेट हार्वेस्टर, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से गाजर निकालने के लिए किया जाता है। ये मशीन सबसे पहले गाजर की फसलों को अपने अंदर खींचते जाती है। उसके बाद ये मशीन अपने कटर की मदद से गाजर के पत्तों को गाजर से अलग करके पीछे फेंकते जाती है और साफ गाजर को कन्वेयर की मदद से स्टोर कर लेती है। जब मशीन का टैंक फुल हो जाता है तो इन गाजर को बाहर निकाल दिया जाता है। स्प्लिट मास्टर, इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों के बड़े बड़े लॉग्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस मशीन में ट्री के लॉग को रखा जाता है। उसके बाद जैसे ही मशीन अपने हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ट्री के लॉग को प्रेस करती है, वैसे इस लॉग के मल्टीपल टुकड़े हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये मशीन लकड़ियों के टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से साइड में जमा करते जाती है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल कपड़े की फैक्ट्री में जलाने के लिए किया जाता है। आइस ब्लॉक क्रशर, इस मशीन का इस्तेमाल आइस के बड़े बड़े ब्लॉक का भूसा बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन के एक साइड से आइस के ब्लॉक को डाला जाता है और ये मशीन बड़ी तेजी के साथ आइस के ब्लॉक का भूसा बनाकर दूसरी साइड से निकालती जाती है। आइस के इस तरह के भूसे का इस्तेमाल फिशरमैन अपनी बोट में फिशिंग के लिए करते हैं। ट्री क्रशर, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पेड़ों का सफाया करने के लिए किया जाता है। ये मशीन पेड़ों को ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से साफ करती है कि पेड़ों का नामो निशान मिट जाता है। दोस्तों है ना कमाल की मशीन। बनाना ट्री कटर, इस मशीन का इस्तेमाल केले के पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि केले का पेड़ एक बार फल देने के बाद किसी काम का नहीं रहता। यहाँ पर केले के पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके तालाब में फेंक रहे हैं ताकि तालाब में मौजूद मछलियां इन्हें खाकर अपना पेट भर सके। इस मशीन में रोटेटिंग कटर लगा होता है जो कि केले के पेड़ों को तेजी से काट कर आगे की तरफ फेंकते जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल मछलियों को फीडिंग कराने के लिए किया जाता है। फॉरेज हार्वेस्टर,
ये मशीन चारा काटने का काम करती है। इस मशीन के आगे चार रोटेटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि लगातार घूमते रहते हैं। ये मशीन बड़ी तेजी से चारा काटती है और चारा काटने के साथ साथ ये मशीन चारे का भूसा बनाकर साइड में चलने वाले कंटेनर में भरती जाती है। लेक क्लीनर। दोस्तों, नदी तालाब में अक्सर अनवांटेड झाड़ियां उग जाती है और बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी तो गंदा होता ही है और पानी का बहाव भी रुक जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है एडवांस मशीनें। ये मशीन नदी तालाब के अनवांटेड पौधों को काट कर किनारे कर देती है और पानी में जमा कचरे को भी किनारे कर देती है। इस मशीन के साइड वाले कटर की मदद से तालाब के किनारे उगने वाली घास को भी काटा जा सकता है। वाटरमेलन एंड मस्कमेलन हार्वेस्टिंग। दोस्तों, बारी बारी तरबूज और खरबूज को खेतों से उठा उठा कर जमा करने में कमर दर्द करने लगती है, इसी काम को आसान बनाती है ये मशीन। इस मशीन के रोटेटिंग सिस्टम में बड़े बड़े कटोरे लगे होते हैं। खेतों में मौजूद वर्कर खेतों से तरबूज और खरबूज जैसे फलों को उठाकर इस कटोरे में रखते जाते हैं। इस मशीन के दूसरे पॉइंट पर एक वर्कर खड़ा होता है जो कि इन फलों को उठाकर कंटेनर में रखते जाता है। आलमंड हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से बादाम निकालने के लिए किया जाता है। जब इस मशीन के नीचे वाले हिस्से को बादाम के पेड़ के तने के पास ले जाया जाता है तो ये मशीन पेड़ से पकड़ बनाकर जोरदार वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से पेड़ों पर लगे सारे बादाम नीचे मशीन में गिर जाते हैं। इस मशीन की बनावट ऐसी होती है कि बादाम पेड़ों से गिरने के बाद इस मशीन में जमा होते जाते हैं और फिर इस मशीन की कन्वेयर बेल्ट इन बादामों को मशीन के पीछे वाले कंटेनर में जमा करते जाती है। ग्रेप हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से अंगूर निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अंगूर बहुत नाजुक होते हैं, किसी भी मजबूत चीज के लगने से खराब हो जाते हैं। इस मशीन का हार्वेस्टिंग सिस्टम मशीन के सेंटर में लगा होता है। इस मशीन को अंगूर के पौधों के ऊपर से चलाया जाता है। ये मशीन बड़ी सफाई के साथ पेड़ों से अंगूर को अलग करके अपने अंदर ले लेती है। अंगूर के साथ साथ कुछ पत्तियां भी अंदर आ जाती है, लेकिन ये मशीन अपने वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से इन पत्तियों को अलग करके अंगूर को टैंक में जमा करते जाती है और जब मशीन का टैंक फुल हो जाता है तो अंगूर बाहर निकाल लिए जाते हैं। गुले मिक्सर। इस मशीन का इस्तेमाल बायोगैस बनाने के लिए काफी बड़े पैमाने पर जमा किए गए मटेरियल को मिक्स करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे ग्राइंडर लगा होता है। वुड चिपर। इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ियों का भूसा बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में कांटेदार पावरफुल रूलर लगे होते हैं जो कि बड़ी बड़ी लकड़ी का बड़ी आसानी से भूसा बना देते हैं। लकड़ियों का भूसा बनाने के साथ साथ ये मशीन एक पाइप की मदद से भूसे को साइड में जमा कर दी जाती है। लकड़ियों के भूसे का इस्तेमाल कागज बनाने के अलावा लकड़ियों के कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। स्पेडिंग मशीन। इस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में बीज बोने से पहले मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। इन मशीनों में पावरफुल पंजे लगे होते हैं। जैसे इन मशीनों को चलाया जाता है तो ये मशीन जमीन को खोदते हुए आगे बढ़ते जाती है। प्लांटिंग टूल। मामूली से दिखने वाली इस मशीन को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि हाथ से चलने वाली इस मशीन में पौधा डालते ये मशीन उस पौधे को जमीन में प्लांट कर देती है। इस मशीन की मदद से पौधों को बड़ी तेजी से प्लांट किया जा सकता है। फ्रूट पिकर। दोस्तों, बहुत सारे पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि उन पर लगे फलों को तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ना ही पड़ता है। जमीन पर खड़े होकर सारे फलों को नहीं तोड़ा जा सकता। इसी काम को आसान बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन पेड़ों के ऊपर चढ़े बगैर ही फल निकालने का काम करती है। इस मशीन के पीछे 6 बकेट्स लगे होते हैं। इन बकेट में वर्कर खड़े होकर जल्दी जल्दी फलों को तोड़कर मशीन के कन्वेयर सिस्टम की मदद से स्टोरेज कंटेनर में पहुंचा देते हैं। ये एडवांस मशीन पेड़ों की ब्रांचेस काटने का काम करती है। ये मशीन बड़ी तेजी के साथ पेड़ों पर चढ़ती है और चुटकियों में पेड़ों की ब्रांचेस साफ कर देती है। इस मशीन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है हमने। हमारी मेहनत का फल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं।